So now coming to question number 8, you are given iron strip. How will you make it into a magnet? So आपको एक iron की strip दे दी, अब आपको उसे magnet बनाना है. So हमने ये भी notes में topic किया था जिसमें हमने बना सकते हैं. Simple words में लिखा हुआ, I read it out for you. And iron strip is kept on table. So जो iron strip आपको दी गई जिसको magnet बनाना है उसको हमने इस तरह से table पे place कर दिया. Now, one end of bar magnet is dragged over the iron strip from one end to the other. So, यहाँ पे ये capital गलती से लिखते हैं. So, this is, अब क्या किया है? One end of bar magnet. पहले तो आपने iron strip को क्या किया? हमने table पे place कर दिया. After that, एक bar magnet लिया और उसके end से one end of bar magnet is dragged over the iron strip from one end to the other. So, आप यहाँ पे इमेज में क्लियरली देख सकते हो कैसे हो रहा है. ये बार मैग्नेट उनके हाथ पे और इस तरह से उसने इसको ड्रैग करना स्टार्ट किया. ठीक है, और ये जो नीचे आपको गिवन है ये हमारी आयरन स्ट्रिप है. ठीक है, सो इसके ऊपर इस पोजीशन में कंटिन्यूअसली हमें ड्रैग करते रहना है. सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड. अब ये प्रोसेस रिपीट करना मतलब बार 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 50 टाइम्स आपको बार बार ये जब करते रहोगे. सो नाउ द आयरन स्ट्रिप इज कन्वर्टेड टू अ मैग्नेट. सो फाइनली जो आयरन स्ट्रिप है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 9 सेज हाउ इज कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन. सो बार बार ये बात कर रहे हैं कि कंपास की हेल्प से डायरेक्शन देख सकते हैं. कैसे यूज करेंगे? Let's see. A compass has a magnetic needle attached to it which can rotate freely. अब अगर आपने कभी देखा हो एक compass के अंदर क्या होता है? एक needle लगी होती है. ठीक है, so that needle is magnetic. ठीक है, so a compass has a magnetic needle attached to it which can rotate freely. और ये जो है ये आराम से compass में देखोगे वो needle आराम से इधर उधर move हो सकती है, means वो rotate हो सकती है freely. Now, a freely suspended magnet always aligns in north-south direction. So, ये हमने काफी बार पढ़ा है कि अगर एक magnet को आप freely छोड़ोगे वो हमेशा north-south direction में align. So, now the red colored magnetic needle points to north direction. So, अब जो उसका red part होता है मतलब needle में जो red part होता है वो हमेशा north part को indicate करेगा. Now, once we know the north direction, we can easily find out the other direction. So, एक बार अगर आपको north direction का पता चल गया, तो again उसके opposite में south होगा, north south का पता चल गया, तो east west का पता चल जाएगा. So, इस तरह से compass की help से हमें सारी directions का पता चल जाएगा. Okay? So, this was the 9th question. Let's get to the last question. So, question number 10. Question काफी बड़ा सा है, तो इसको पढ़ लेते हैं. A magnet was brought from different directions toward a toy boat. So, एक toy boat है जिसके आसपास अलग अलग direction से magnet लाके देख रहे हैं. So, toy boat that has been floating in water in a tub. So, एक tub है उसके अंदर एक toy boat है और अब magnet को क्या कर रहे हैं उस जो वो हमारी toy boat है उसके आसपास drag कर रहे हैं, हर direction से लाके देख रहे हैं क्या क्या reactions होंगे. So, इफेक्ट ऑब्जर्व इन ईच केस इज स्टेटेड इन कॉलम 1. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास कॉलम 1 जो है इसमें जो जो इफेक्ट्स है वो सारे यहाँ पे लिखे हैं. जैसे बोट अट्रैक्ट हो गई मैग्नेट से, बोट अट्रैक्ट नहीं हुई मैग्नेट से, लेफ्ट साइड से लाई तो अट्रैक्ट हुई, ये सब हमें बता रहे कि क्या क्या रिएक्शन आए वो. नेक्स्ट है पॉसिबल रीजंस फॉर द ऑब्जर्व इफेक्ट्स आर मेंशन्ड इन कॉलम 2. अब अगर हम कॉलम 2 की बात करें तो यहाँ पे ये जो चीजें हुई है उसके क्या रीजन हो सकते हैं. जैसे सिंपल सा है, बोट मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी दैट मींस बोट आयरन की होगी या बोट में कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो कि मैग्नेटिक होगा. तो वो रीजंस यहाँ पे दे रखे हैं. हमें करना क्या है, मैच द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. हमें बेसिकली मैचअप करने की, जैसे अगर कोई चीज कॉलम 1 में दे रखी है उसका क्या रीजन होगा कॉलम 2 से फाइंड करके लिखना होगा या मार्क करना होगा. ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं. लेट्स राइट इट एज दिस इज ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, वहां पे मेंशन करना इजी हो जाएगा. सो जो पहला इफेक्ट उन्होंने देखा वो था
boat gets attracted towards the magnet. अब boat magnet से attract हो गई. इसका reason क्या हो सकता है? यहाँ पे पहले तो reasons देख लेते हैं. Boat is fitted with a magnetic with north pole towards its head and boat is fitted. ये सारे मैं read out कर रही हूँ आपके लिए. Boat is fitted with a magnet with south pole towards its head and boat has a small magnet fixed along its length. Then boat is made up of magnetic material. Boat is made up of नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. अगर हम पहले वाले की बात करें जिसमें वो कह रहे हैं कि बोट अटैच हो गई मैग्नेट से, मतलब कि वो मैग्नेटिक मटीरियल की होगी. सो अभी हमने देखा कौन से वाले में था, डी पार्ट में था, है ना, कि द बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा डी पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट. बोट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा मैग्नेट उसके पास लाई. सो दैट इज पॉसिबल अगर बोट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया. नेक्स्ट है बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉट, ये तो थोड़ा सा समझने वाला है. सो बोट मूव्स टुवर्ड्स मैग्नेट, अब बोट मैग्नेट के पास आ रही है इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड. अगर हम नॉर्थ पोल लेके जा रहे हैं मैग्नेट का तो बोट अटैच हो रही है. दैट मीन्स देखो हमें पता है कि नॉर्थ अटैच किससे होगा, साउथ से, करेक्ट, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अटैक करते हैं, मतलब अटैच होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सो नाउ अगर बोट मूव कर रही है जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल ला रहे हैं, सो दैट मीन्स बोट के अंदर जो है वो साउथ पोल है. सो ये हमने देखा था कहां पे, देखो बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड. अब उसका हेड अगर साउथ है तभी नॉर्थ वाली साइड ऑफ मैग्नेट को वो अटैक कर पा रहे या अट्रैक्ट कर पा रहे. सो ये आ गया हमारा बी पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट है बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोट मूव्स अवे, अब वो दूर जा रही है जब वो नॉर्थ पोल का, मतलब रिपल्शन हो रहा है. रिपल्शन कब होगा, अगर यहाँ पे मैं नॉर्थ पोल लाई तो उसका भी अगर नॉर्थ, बोट का भी नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे. तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में. सो अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टूवर्ड्स इट, तो उसका नॉर्थ पोल आ गया और वो यहाँ पे नॉर्थ पोल लाए तो रिपेल हुआ था. मींस ये हो गया हमारा ए पार्ट. नेक्स्ट है बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. अब बोट फ्लो करती जा रही हो, डायरेक्शन मतलब मैग्नेट चल रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे. अब ये पॉसिबल कब है, बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स अलोंग इट्स लेंथ. तो अब क्या हो रहा है, मैग्नेट को जब आप पास लेके और बोट एकदम से उस पर अटैक भी नहीं किया, अट्रैक्ट भी नहीं हुआ उस पर, लेकिन उसके साथ साथ वो वैसे मैग्नेट को आप ऐसे ऐसे लेके जा रहे हो तो वो बोट उसके साथ फ्लो करे. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप एक पेपर लोगे नीचे आप उसके मैग्नेट रखो और ऊपर कॉइन रखो, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज आप जैसे जैसे मैग्नेट को मूव करोगे, क्योंकि वो जो कॉइन है वो हमारा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया है, वो दोनों आपस में चिपक गए, तो जैसे जैसे आप मैग्नेट को मूव करोगे कॉइन भी साथ साथ मूव होता रहेगा. इस केस में भी यही हो रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैग्नेट है और यहाँ पे हमारी बोट है, तो जैसे जब हम मैग्नेट को मूव करें तो बोट भी उसके साथ साथ फ्लो करती जा रही है बिना अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो उस पर चिपकी नहीं है. दैट कैन बी अ रीजन कि जो मैग्नेट है वो एक स्मॉल छोटी सी मैग्नेट लगी होगी विच इज फिक्स अलोंग इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ के साथ लगी होगी तभी वो साथ साथ उसके फ्लोट कर पा रही है. सो इसका आंसर हमारा हो गया सी पार्ट आई. सो दिस इज द सी पार्ट. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10. ऑल्सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज. Now we'll begin with the new chapter in the new session. Till then, take care and bye-bye.